इस पवित्र संस्कार में हे प्रभु येसु, हम पापियों के लिए उपस्थित हैं। प्रभु येसु, आज का दिन इस शाम के समय हम आपके पास आए हैं, आस्था लेकर आए हैं प्रभु। न केवल यहाँ के लोग और कई लोग अपना दिल में कई समस्याएं लेकर, दुख तकलीफ लेकर, पीड़ाएं लेकर और कई चीज़ें लेकर आए हैं प्रभु। हम आपसे नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों पर दया दृष्टि कर, हम पर दया कर। हम पापी हैं, हम कमज़ोर हैं, हम दुखी हैं, ऐ कई तरह से हम परेशान हैं। प्रभु, हम सबों पर दया दृष्टि कर और आशीष का, कृपा का, प्रेम का और चंगाई का हाथ हम पर फेर दे। हमें क्षमा कर प्रभु, हमारे भूल चूकों के लिए, हमारे कमजोरियों के लिए और विशेषकर हमारे पापों के लिए। प्रभु, हम तेरे ही पुत्र पुत्रियाँ हैं। ये थोड़े समय विश्वास के साथ, प्रेम में आपके साथ बिताना चाहते हैं। हमारा दुख, दिल का दुख दर्द आपको बताना चाहते हैं प्रभु। हम पर दया कर, हमें आशीष देने की कृपा कर। आमेन। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राजा, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राजा, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी समय ले अपने उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो हमारे सामने एक
रोटी के रूप में मौजूद है। उसने तो अपना ये शरीर हमारे लिए बलिदान चढ़ा दिया कि हम अपने पापों से नजात पा सकें। आइए मिलकर ऊंचे स्वरों में परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की स्तुति गाएं। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू ही मेरा नाथ, मेरे दिल के राजा। तू ही मेरा नाथ। एक सार अपने स्वरों को मिला के यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राजा। तेरी प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 25। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई।
उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गईं। हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं जब हम आपकी महिमा गाते हैं परमेश्वर, और जब हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, तो प्रभु हमारे जीवन के जितने भी बंधन है परमेश्वर, जितनी भी मुसीबतें हैं परमेश्वर, परेशानियां, बीमारियां परमेश्वर, वो ढीली पड़ जाती हैं परमेश्वर, और हम अपने सारे बंधनों को तोड़ के परमेश्वर मुक्ति पाते हैं। हाँ हम जानते हैं परमेश्वर कि जब हम अपने शब्दों से प्रभु, अपने हाथों से, हाथों को ऊपर उठा के परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को महिमा देते हैं, तब हमारे जीवन की सारे बंधन टूटते हैं परमेश्वर। जो भी परेशानियां हैं वो हमें छोड़ के भागती हैं परमेश्वर। हाँ हम परमेश्वर तुझे महिमा देते हैं। हाँ परमेश्वर हम तुझे धन्य कहते हैं। तू सच्चा परमेश्वर है। हाँ प्रभु तू महान है। तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो।
ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए, आत्मा के आनंद से, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योत से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर जग से तेरी ज्योत से मिट जाए, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोह समा, चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोह, आत्मा के आनंद से, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, अपनी आत्मा के आनंद से परमेश्वर हमारे हृदय को भर दे परमेश्वर, क्योंकि जहाँ तेरी आत्मा है वहाँ परमेश्वर आजादी है, आजादी बंधनों से परमेश्वर, आजादी मुसीबतों से, आजादी परमेश्वर हर एक हृदय को भर दे परमेश्वर, हाँ परमेश्वर हम जानते हैं कि तू अपनी आत्मा का अभिषेक हमें प्रदान करता है, जब हम मांगते हैं तुझसे तेरी आत्मा का अभिषेक परमेश्वर तू हमें उसे प्रदान करता है परमेश्वर, जितनी भी परेशानियां हैं परमेश्वर, जो हृदय पत्थर के समान हो चुके हैं परमेश्वर, जिनमें तेरा वचन आ नहीं पा रहा है परमेश्वर, परिवार परेशान है क्योंकि वे लोग बदल नहीं रहे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तू अपनी आत्मा को भेज के परमेश्वर उसके अभिषेक के द्वारा खुदावन ओ परमेश्वर ऐसे हृदयों को प्रभु बदल दे परमेश्वर, ओ परमेश्वर तेरा वचन हमारे हृदयों में बोया जाने वाला हो सके परमेश्वर, जितना पाप का अंधेरा है परमेश्वर अपनी आत्मा को भेज के प्रभु तू उसे मिटा दे परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईशे वचन बोले, दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईशे वचन बोले, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, हालेलुया 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 राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को सारा आदर।
तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया। हे अति मधु यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए, तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से साई मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत अथा ईश्वरीय दया, साई दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्म सार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उठे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। हे प्रभु, करुणा माला का पहला भेद हम अपने सभी पुरोहितों के लिए, मिशनरीज के लिए चढ़ाते हैं, विशेषकर हमारे संत पापा, हमारे बिशप स्वामी, हमारे पुरोहित डायसिस के सभी सिस्टर्स, सभी मिशनरीज। परमेश्वर इन पर अपनी आशीष बनाइए, इनकी योजनाओं को सफल कीजिए परमेश्वर। ये जिस जिस स्थानों पे परमेश्वर जो जो कार्य संभाल रहे हैं उन पर आशीष आने दीजिए परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से इनको हमेशा भर के रखिए परमेश्वर। आपकी आत्मा के सभी वरदानों और फलों के द्वारा ये अपने जगहों पर निर्णय लेने वाले हो सकें परमेश्वर, और मानव जाति का उद्धार कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हे प्रभु, करुणा माला का दूसरा भेद हम सभी बीमारों के लिए चढ़ाते हैं प्रभु, खास तौर से मिस्टर लाकरा, मिसेज इग्नेशिया तिर्की। ओ परमेश्वर, हम पर अपनी दया कर प्यारे परमेश्वर। हम मिस्टर लाकरा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लकवे से परेशान है और जिनका शरीर लकवे की वजह से परमेश्वर असमर्थ है काम करने में। परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन पर भेज परमेश्वर। अपने पवित्र लहू को परमेश्वर, आपके पवित्र लहू को इनसे छुआते हैं परमेश्वर। वो लहू जो बीमारियों के लिए बहा है, जो श्रापों से छुटकारे पाने के लिए बहा है परमेश्वर, आपके लहू को उनके शरीर पर छुआते हैं परमेश्वर, और दिव्य चंगाई को उनके ऊपर क्लेम करते हैं प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मिसेज इग्निशिया तिर्की के लिए भी परमेश्वर, जिनको कमर में और पसलियों में बहुत दर्द रहता है परमेश्वर। अपनी आशीष को भेजिए और उनको चंगाई से भर दीजिए परमेश्वर। इतने बहुत से परमेश्वर हमारे प्यारे मसीही हैं जो बीमारियों से परेशान हैं, जिनके यहाँ परेशानियाँ, परिवारों में दुख चल रहा है परमेश्वर। आपकी दिव्य चंगाई को चाहते हैं, हर एक पर आकर ठहरे प्यारे परमेश्वर, और जल्द से जल्द एक बहुत बड़ी गवाही इनके जीवन के साथ जुड़ने वाली हो सके प्यारे परमेश्वर। अपनी आत्मा द्वारा, अपने पवित्र लहू द्वारा चंगाई को इन पर भेज। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु यीशु, करुणा माला का तीसरा भेद हम विश्वास के वरदान के लिए चढ़ाते हैं प्रभु। बहुत से ऐसे मसीही हैं परमेश्वर, जिनके जीवन में विश्वास विलुप्त होता जा रहा है प्रभु। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्ग के द्वार को खोल के परमेश्वर विश्वास के वरदान से इन्हें भरिए परमेश्वर। वो सभी लोग परमेश्वर जो चर्च नहीं आना चाहते हैं, मीटिंग्स में भाग नहीं लेना चाहते हैं, वचन को पढ़ना नहीं चाहते हैं, तेरे गीत नहीं गाना चाहते हैं परमेश्वर, जो तुझ पर विश्वास नहीं लाते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर जगत में है ही नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि इन पर विश्वास के वरदान आकर ठहर सके परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तू ही परमेश्वर इन्हें विश्वास से भर सकता है परमेश्वर। बड़ी गवाहियों को परमेश्वर इनके जीवन में जोड़ परमेश्वर, जिससे ये तुझ पर भरोसा ला सकें। ओ प्रभु, तूने कहा था मानव पुत्र जब दुनिया में आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा। ओ परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तू अपने विश्वास को भेज परमेश्वर, हर एक का विश्वास तुझ में और से और दृढ़ हो सके प्यारे परमेश्वर। ऐसे वरदान से हर एक मसीही को भर दे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार
संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु यीशु, करुणा माला का तीसरा भेद हम पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रभु तुझे चढ़ाते हैं। ओ परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर, हम तुझसे तेरी पवित्र आत्मा का वरदान चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि बहुत से सिचुएशंस में प्रभु हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हम तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस नहीं करते हैं। ओ प्रभु, हम उस सहायक को चाहते हैं जिसने तूने हमारे लिए ठहराया है प्रभु। हम चाहते हैं उसके फलों को और वरदानों को अपने जीवन में महसूस करना परमेश्वर। ओ परमेश्वर, ये दुनिया के जितने भी दान हैं और अकम्पलिशमेंट्स हैं परमेश्वर, वो तेरे आगे कुछ नहीं है परमेश्वर। हम स्वर्ग के भंडारों से मिलने वाले तोहफों पर अपनी नजर लगाना चाहते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें मिल सके परमेश्वर, जिससे हम सशक्त हो सके प्रभु, और जिस दिशा में हमें हमारे जीवन को चलाना है उस दिशा के लिए तेरी पवित्र आत्मा ही हमें निर्देशित कर सके परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा को भेज परमेश्वर, और उसके वरदानों और फलों से हमें भर दे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु, करुणा माला का पांचवा भेद हम संसार भर में फैले सभी गरीबों के लिए चढ़ाते हैं प्रभु। बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो भुखमरी से मर रहे हैं। बहुत से ऐसे देश हैं परमेश्वर जहां बच्चों के पास, बड़ों के पास खाने को खाना नहीं है परमेश्वर। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप मदद को ऐसे लोगों तक पहुँचाइए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, जो तकलीफ़ें हैं परमेश्वर उनकी कम हो सकें परमेश्वर। जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं परमेश्वर, उनकी योजनाओं को सफल कीजिए। ओ परमेश्वर, ऐसे लोगों को आशीषित करिए परमेश्वर, जो इनके लिए काम कर रहे हैं, जो इनकी मदद कर रहे हैं परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा
आया, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, पिताजी सत्य हो तुम, सब
संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 आयतें 21 से 27 तक। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अब दूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वो उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बसाया है। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वो घर नहीं दहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता वो उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालों पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वो घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैंने इस अंश को पढ़ा मत्ती के हिसाब से मुझे बहुत घबराहट हुई क्योंकि वह पहला बात तो सही है और दूसरा भाग है उसका, वो हमें धक्का देता है, शॉक देता है। पहले ये हम समझ लें, जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वो सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु प्रभु कहना माने क्या? हम प्रभु करके कब कहते हैं? विशेषकर जब हम परेशान में पड़ते हैं या दुख तकलीफ होता है, बीमारी आती है, हे ईश्वर करके जरूर पुकारते हैं और इतना ही नहीं प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं। क्या वो उसी एक मतलब के लिए हम दान देते हैं या प्रार्थना करते हैं उसी घड़ी के लिए? यही बात उसमें दूसरा भाग में है। वो दूसरा भाग कहता है, हे प्रभु हमने आपके साथ खाया पिया, चमत्कार दिखाए आपके नाम पर, आपके नाम पर आप दुख दमुख भी निकाले। तब प्रभु कहते हैं,
हे कुकर्मियों चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। देखो प्यारे भाई और बहनों, कितना कठिन है ये समझने के लिए हमको। इसमें बहुत ही गहरा मर्म पड़ा है। और वो कहते हैं जो वही ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। तो प्रार्थना करना ईश्वर की इच्छा जरूर है, और उन्हीं के हिसाब से और उन्हीं के ताकत से उन्हीं के कृपा से जब हम अब दूतों को निकालते हैं, चमत्कार करते हैं, हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम ऐसे चमत्कार करें, अब दूतों को निकालें। तो ये ईश्वर की इच्छा पूरी करना माने क्या है? हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं? उसके लिए पहले हमें हमारे प्रभु यीशु को ही देखना है। प्रभु यीशु ने कई बार कहा है मैं अपने ओर से नहीं आया हूं। किसके ओर से आया हूं? पिता ने मुझे भेजा है और मैं उनकी इच्छा पूरी करता हूं। और उनकी इच्छा वो कब पूरी कर रहे थे? हर समय। हर समय, कोई भी ऐसा समय नहीं था पिता उस तरफ और पुत्र यहां, अपना ही धुन में कहते कह सकते हैं हम। सारे दिन वो घूमते रहते थे, स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को बताने, और हमको हर एक सुसमाचारक बताता है, हजारों हजारों लोग उनका पीछा करते थे। क्यों ऐसा ही पीछा करते थे? क्या वो सुंदर दिखते थे ऐसा? नहीं, उनके पास जीवन के शब्द थे, उनके पास वो कृपा थी जो उनको चंगा करती थी, उनके पास वो कृपा थी जो लोग मैं पापी हूं करके समझते थे। देख लेना जकेउस, उनको केवल वो देखना मांगता था और गुल्लर के पेट पर चढ़ा। गुल्लर के पेट पर चढ़कर वो कौन है, ये यीशु कौन है करके ताक कर देख रहा था। तो प्रभु ने क्या कहा? जकेउस नीचे आओ, मैं आज तुम्हारे घर आ रहा हूं, अब तुम्हारे साथ मैं आज भोजन करूंगा। जैसा वह घर गया, भोजन किया, जकेउस पुराना जकेउस नहीं रहा। तुरंत उसने बोला खुलेआम, क्या बोला? मैं सब कुछ दान देता हूं, सब कुछ दान देता हूं, यदि मैंने किसी को तकलीफ दिया है चौ गुणा मैं उसको वापस दे दूंगा। ये है ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए उसका फलितांश प्रभु के जीवन में। ऐसा हर एक व्यक्ति प्रभु के साथ जो आया, उनसे जिसने उनसे मुलाकात की, वो आदमी या औरत वो नहीं रही। हर एक सामारी स्त्री देख लेना, मरियम मगदलीना देख लेना, हर एक दस कोढ़ी देख लेना, कहीं भी एक आदमी भी प्रभु के से मुलाकात होने के बाद वो वैसा ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने प्रभु में वो सांत्वना पाई, वो कृपा पाया, वो एक तरह का क्या कहते हैं शांति पाई, और
उनमें परिवर्तन हुआ, नए इंसान बने, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा हर एक घड़ी पूरा की थी। दूसरे ओर से हम हमारे माता मरियम को देखें, हम भलीभांति जानते हैं माता मरियम निष्कलंक थी, पाप से कभी भी उन्होंने चोट नहीं खाई, पवित्र कार्य कृपा से सुसज्जित थी, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, एलिजाबेथ ने उनका अभिवादन किया। ये कैसे हुआ, मेरे प्रभु की मां मेरे पास आए, ये क्यों ऐसा हुआ? पवित्र आत्मा उस एलिजाबेथ बूढ़ी औरत जो अभी गर्भवती हो गई है, छठा महीना था, मगर उनमें एक तरह का विशेष कृपा आई, विशेष कृपा आई, और उन्होंने पहचान लिया कि कौन मेरे सम्मुख हैं, कौन मुझसे भेंट करने आए हैं, क्योंकि माता मरियम पवित्र थी और ईश्वर की इच्छा पूरी करती थी, और पूरी करने के वजह से उनको क्या क्या मिला, अमीरी, हर दुनिया की सहूलतें, हर अच्छाई। प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही दूर, ये सब बहुत ही दूर। उन्होंने कहा था जैसा गैब्रियल दूत से, जैसा आपका वचन है वो मुझ में पूरा हो, वो मुझ में पूरा हो, और वो पूरा कब तक हुआ? जब तक उन्होंने अपना पुत्र को क्रूस पर मरते हुए, क्रूस पर टांग कर मरते हुए उन्होंने देखा। क्यों क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि वो प्रभु की इच्छा सारे समय पूरा कर रही थी, अच्छी तरह से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, जो ईश्वर ने, वो ईश्वर चाहता था, उसका खुले दिल से, उदारता दिल से उन्होंने पूरा किया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए हमें समझने की जरूर कोशिश करना है कि हम किस तरह से ईश्वर की इच्छा पूरी करने में सक्षम है, हमारे माता मरियम के समान, वो भी हमारे जैसे ही इंसान थी। तीसरा योग हम कह सकते हैं, हर एक संत, किस कोई भी संत को आप ले लीजिए, हर एक संत ने ईश्वर की इच्छा पूरी की है, जहाँ तक कि अपना ही प्राण उन्होंने न्यौछावर कर दिया है, इसलिए उनको शहीद कहा जाता है। हर एक संत, किसी की भी जीवनी आप पढ़िएगा, किसी की जीवनी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी करने में वो सक्षम हुए हर एक घड़ी। अब हमारे पास एक जरूर प्रश्न आता है, हम कब ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, कब करना है, कहाँ करना है? गिरजा में आके बाइबल लेके पढ़ते हुए, हाथ में रोजरी लेके पढ़ते हुए, ये एक जरूर तरीका है, क्योंकि हमें ईश्वर से हमेशा जुड़े रहना है। ईश्वर का वचन हमारा जीवन का अंधेरे को क्या करता है? मिटा देता है, वो
ईश्वर की, ईश्वर का वचन एक जीवन की रोटी है, क्योंकि वह हमें हमारे स्वर्गीय पिता के पास जाने का रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना, रोजरी करना, मिसा बलिदान में भाग लेना और विशेषकर पाप स्वीकार करना। विशेषकर मैं फिर एक बार बोलता हूँ, पाप स्वीकार करना, क्योंकि जो पाप करता है वो अंधेरे में है, कहते हैं संत योहान, और वो दूर है, ईश्वर से दूर है, और वो अंधेरा चाहता है। जब हम पाप स्वीकार करते हैं, हम प्रभु के निकट आना चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, उनका प्यार चाहते हैं, उनसे आशीष चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इतना देखने के बाद अभी हमें सोचना है कि मैंने कहाँ ईश्वर की इच्छा पूरी करना है। पहले मैं कह सकता हूँ, अपना घर में, अपना घर में, गिरजा जाने की जरूरत नहीं, घर में जब हम अच्छी तरह से प्रेम से, समझदारी के साथ, सहकारिता से जीवन बिताते हैं, किस तरह से, माता पिता का आदर करते हुए, बड़े लोगों को समझते हुए, उनको मदद देते हुए, जो उनका परेशानियां है उनको सहायता करते हुए, अपना ही धुन में नहीं रहते हुए, अपना ही इच्छा नहीं पूरी करते हुए, सबका प्रेम करते हुए, प्रेम से मदद करते हुए, समझते हुए, सैक्रिफाइस करते हुए अपने भाई बहनों के लिए, और विशेषकर उनको क्षमा देते हुए। हर एक इंसान एक ही तरह का नहीं होता है, पांच उंगलियां एक नहीं होती हैं, बड़ी छोटी हैं। इसे आदर सम्मान में और क्षमा प्रेम में जब हम वह एकता बनाते हैं, शांति बनाए रखते हैं घर में, लड़ाई झगड़े का कोई कारण नहीं देते, जलन ईर्ष्या का कोई जगह नहीं है, हमारे स्वर्गीय पिता वही चाहता है और दूसरा नहीं, दूसरी कोई बात नहीं, वही हमसे हर एक से चाहते हैं कि हम एक दूसरे को क्या करें, प्यार करें। आज ही का आप लोगों ने मती के अनुसार का सुसमाचार, जिसने सुबह मिसा में भाग लिया है, एक शास्त्री ने आके पूछा था, सबसे बड़ी आज्ञा क्यों कौन सी है, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो प्रभु ने पवित्र पुस्तक से ही उसका उत्तर दिया। कौन सा उत्तर दिया, अपने ईश्वर को अपने सारे शक्ति, सारे हृदय, सारी आत्मा से प्यार करो, और दूसरे उसी की जैसी है, अपना पड़ोसी को अपने जैसे प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्यार करो, उसमें है सब नबी और ईश्वर का वचन। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें पड़ोसी घर में शुरू होते हैं, अपने को छोड़ के दूसरे सब क्या है, पड़ोसी हैं, भाई बहने, चाचा चाची, नाना नानी, जो कोई भी है। इसलिए
जब उनको हम आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, प्यार करते हुए और क्षमा मांगते हुए, क्षमा देते हुए एकता में रहते हैं, तब हम ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। क्योंकि परिवार किसने रचा है? ईश्वर ने रचा है, इंसान ने नहीं, ईश्वर ने रचा है। नर नारी उन्होंने सृजन करते हुए उन्होंने एक परिवार का नींव डाली है और वो नींव पर हमें आगे बढ़ना है। दूसरा है हमारा आस पड़ोस में, नेबरहुड बोलते हैं हम, अक्सर कितना गलत होती है, अनर्थ होता है हमारे वजह से या उनके वजह से। हमें क्या करना है? जब हम प्यार से ही हमारा रिलेशन रिश्ता बनाते हैं तब शायद वहाँ कोई तकलीफ नहीं आएगी ना, सुख में और दुख में। कहते हैं सुख में और दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में। जब हम हाथ बढ़ाते हैं दूसरों के प्रति, हमारे जो नेबर हैं, जब हम जरूर ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। यदि आप लेवितिकत ग्रंथ पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें हमारा पड़ोस में रहना है। तीसरा है जहाँ हम क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाह के लिए काम करते हैं, प्लेस ऑफ वर्क। प्लेस ऑफ वर्क ए प्लेस ऑफ वर्शिप प्लेस होना है। इसका मतलब क्या है? अपना ड्यूटी या अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करना, एकदम डिलिजेंस बोलते हैं उसको, डिलिजेंस। इसका मतलब है कि कोई गलती ना हो, दूसरों को तकलीफ ना हो मेरे वजह से, समय बर्बाद ना हो दूसरों का, मेरी बातें दूसरों के प्रति, जब हम बातें करते हैं, जब हम काम करते हैं, जो गुस्से के ना हो या दूसरों को बदनाम करने के ना हो या गलत बातें बताने के ना हो। क्योंकि जहाँ प्यार है, सच्चा प्यार है, वहाँ ये बातें कभी नहीं पनपेगी, कभी नहीं आएगी। वहाँ केवल बनाने वाली बातें, जोड़ने वाली बातें और एक करने वाली बातें और हर एक को मदद करने वाली बातें आएंगी। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने जो कहा, सब लोग जो मुझे प्रभु प्रभु करके बोलते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि जरूर हम हर इतवार को मिसा जाएंगे, परम प्रसाद भी लेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, मगर गिरजा के बाहर आने के बाद यदि हम अपना स्वार्थ, अपना घमंड, अपना दिखावा यदि हम दिखाएंगे, वो सब शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और वहाँ कुछ नहीं आएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं जो विश्वास से जीता है वो कभी नहीं क्या होगा, नष्ट नहीं होगा। इसलिए वो क्या देते हैं, ये दो उदाहरण देते हैं। जिसने घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। जो विश्वासी है और ईश्वर की इच्छा पूरी करता है उसका जीवन चट्टान पर बनाया हुआ घर के समान है। आंधी आई, बारिश आया,
तूफान आए, लहरें उस पर लगी, यानी दुख तकलीफ आई, कष्ट आया, पीड़ा आए, फिर भी जोब के समान, याद रखना पुराने स्थान का जोब के समान लोग उसको सफर करेंगे। माता मरियम के समान क्रूस के नीचे कड़े होने को उनको ताकत मिली, हमको भी ताकत मिलेगी। महाराज हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा कोशिश करना है। दूसरा है हमें प्यार होना है, हमारे दिल में ईश्वर के प्रति और हमारे पड़ोसी के प्रति प्यार होना अनिवार्य है। और जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ उदार है, अच्छा है, भलाई है, और कह सकते हैं वहाँ स्वर्ग हो जाता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की इच्छा माने हमारे लिए हमें ईश्वर के बच्चे बनते हुए हमारा जीवन से दूसरों को जीवन, पवित्रता, शांति देने वाला जीवन हमारे लिए होगा। आमीन। दुख भोग स्मारक दिया है, हमने अपने शरीर और रक्त के पवित्र बेंड का इस प्रकार आधार करने की कृपा दे कि हम इस मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है।
ईश स्तुति धन्य परमेश्वर धन्य उसका पवित्र नाम पवित्र नाम धन्य यीशु क्रिस्त परमेश्वर सच मनुष्य धन्य यीशु का नाम धन्य उसका पवित्र हृदय धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता धन्य पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक भागवन धन्य उसका प्रतापी उद्गरण धन्य कुमारी और माता मरिया का नाम धन्य उसका अति शुद्ध धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर मेरा राजा तू मेरा राजा यीशु की जय तू मेरा राजा यीशु की जय तू मेरी मोती मेरी मोती यीशु की जय Yeah.